हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए साथ मिलकर शाही चाय बनाते हैं। उसके लिए हम पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, फिर उसमें जो बाज़ार से हमने खरीदे हुए चाप है उसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद उसके पानी को हम निकाल देंगे और चाप का जो बॉईल किया हुआ है थोड़ा गर्म होगा, आप ध्यान से निकाल के उसे प्लेट में रखिए, थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए और उसको फिर पीसेस में काट लीजिए। काटने के बाद एक कढ़ाई लीजिए या पैन लीजिए, उसमें घी या ऑलिव ऑयल आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने घी डाला है। उसमें सारे चाप को हम अच्छे से डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे, पर ध्यान रखिएगा कि हमें चाप को हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, उसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। उसमें एटलीस्ट 10 मिनट भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकता है, बट उसको अपने आप से आप फ्राई होने दीजिएगा ताकि वो जलेगा नहीं और सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा है। आप इसको देखिएगा काट के, इसके अंदर सब अंदर का भी इसका पक गया होगा। तेज आंच पे करके पकाने से नहीं पकता। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और अपने अकॉर्डिंग दही डाल लेंगे। डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके और हाफ एन आवर के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर सारे चीज़ दही वगैरह चला जाए और टेस्टी हो जाए। उसके बाद हम बनाएंगे अब अपने मसाले के लिए। तो सबसे पहले सारे टमाटर को, मिर्ची को, लहसुन को और अदरक को टुकड़े में काट कर अच्छे से पीस लेंगे। हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमने कढ़ाई ली थी उसमें जो घी बचे थे उसी में अपने अनियंस को डालेंगे और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। उसका कलर ऐसे हो जाएगा फिर हम उसे प्लेट में निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको भी अच्छे से पीस लेंगे ताकि ये मसालों में डालने के लिए काम आएगा। हमारे प्याज का भी पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब हम वही कढ़ाई लेंगे, उसमें दालचीनी, 2-3 लौंग और 2-3 इलायची डालेंगे, खड़े मसाले, और फिर जो हमारे टमाटो का पेस्ट था उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक उसके अंदर से सारा पानी निकल ना जाए और उसमें से ऑयल ना छोड़ने लगे। इसको हम बार बार ढक कर मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और टमाटो प्यूरी डालते के साथ ही उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला एकदम रेडी है, पानी निकल गया और ऑयल छोड़ने लगा। अब इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और तीखी लाल मिर्च डालेंगे। इन सबको डालकर अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाले भी भून जाएंगे तो इसके अंदर जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। फिर इसे हम ढक कर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पकाने के बाद जो हमने अपना चाप रखा था उसको डाल देंगे और डालने के साथ उसमें जो थोड़ा बहुत मसाला बचा था उसके अंदर हमने थोड़ा पानी डाल के और उसी को इसमें डाल दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग
पानी डाल सकते हैं। आपको जितना पानी डालना होगा आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। हमारा जो मसाला था और चाप था दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम किचन किंग मसाला डालेंगे और साथ में भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा जो चाप है वो लगभग बनकर रेडी है। आप इसको थोड़ी 2-4 मिनट के लिए इसको ढककर और मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए। जब ये मीडियम फ्लेम पर पकता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए हमारा जो चाप है वो लगभग बनकर तैयार है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं।